खबर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में ओरलैंडो शहर से जुड़ी हुई है। एलजीबीटी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया नाइट क्लब पल्स में, और इस कत्लेआम में मरने वालों की संख्या 53 पहुंच गई है। जी हाँ, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। कल ओरलैंडो के जो मेयर थे उन्होंने बताया था 50 लोगों की इसमें मौत हुई है, 53 लोग जख्मी हुए हैं, और उन्हीं जख्मी लोगों में से 3 और लोगों की मौत हो गई। यानी मरने वालों का आंकड़ा हो गया है 53, और इतने ही और जख्मी बताए जा रहे हैं। हमले में कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि इस हमले को अफगानी मूल के अमेरिकी नागरिक उमर मतीन ने अंजाम दिया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आइसिस ने गे क्लब में हुई इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। आइसिस की न्यूज एजेंसी अमक के मुताबिक इसके पीछे आइसिस का हाथ है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उमर मतीन ने खुद को आइसिस से जुड़ा बताया था। हाँ, ये कहा जा रहा है 9/11 पर उसने कॉल किया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतीन ने खुद इमरजेंसी नंबर 9/11 इस पर कॉल करके खुद को आइसिस से जुड़ा बताया था। मतीन ने फोन पर अपना पूरा नाम भी बताया था। फोन पर उसने बोस्टन धमाकों के मास्टरमाइंड ज़ैनव भाइयों का भी जिक्र किया था। मतीन पहले से ही FBI के रडार पर था। 2013-2014 में भी मतीन से FBI ने पूछताछ की थी, तब FBI को मतीन के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। अमेरिका के एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स के मुताबिक मतीन ने 2 हफ्ते पहले कानूनी तौर पर ग्लॉक पिस्टल और लॉन्ग गन खरीदी थी। हालांकि अभी तक अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि यह हमला आइसिस ने अंजाम दिया है। अमेरिकी मीडिया इसे 9/11 ट्विन टावर पर हुए हमले के बाद सबसे बड़ा हमला करार दे रहा है। और भूले नहीं, यह अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक मास शूटिंग करार दिया जा रहा है। वैसे अगर आरोपी की बात की जाए, हत्यारे की बात की जाए, तो उमर मतीन काफी रहस्यमयी ये व्यक्ति था। उसकी एक्स वाइफ से, उसकी यानी पूर्व पत्नी से हम आपको मिलाएंगे। उससे पहले आपको उमर मतीन से जुड़ी हुई कुछ और अहम जानकारियां हम दे रहे हैं। उमर मतीन अफगानी मूल का अमेरिकी नागरिक है। मतीन के माता पिता अफगानी मूल के हैं। मतीन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। बाद में मतीन का परिवार फ्लोरिडा चला गया था। मतीन G4S सिक्योर सॉल्यूशंस में सिक्योरिटी ऑफिसर था। ये कंपनी सुरक्षा देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। साल 2007 से मतीन G4S सिक्योर सॉल्यूशंस के लिए काम करता था। मतीन की शादी 2009 में हुई थी। मतीन और उसकी पत्नी की मुलाकात इंटरनेट पर चैटिंग के जरिए हुई, और मतीन की पत्नी ये कह रही है कि वो बिल्कुल भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था, और साथ ही उसके मेंटली अनस्टेबल होने की बात भी उसकी पूर्व पत्नी कहती है। तो हमले के बाद जांच एजेंसियां उमर मतीन की पूर्व पत्नी सितोरा यूसुफी से उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं। यूसुफी ये बता रही है कि उमर मतीन उससे अक्सर मारपीट करने लगता था, और इसी वजह से वो अलग हुई थी। यूसुफी के मुताबिक 7 साल से उनका मतीन से कोई संपर्क नहीं था। आपको याद दिला दें, दोनों की शादी 2009 में हुई थी। 2011 में इनके डिवोर्स की बात कही जा रही है, तो उस लिहाज से वो कह रही है कि मैं 7 साल से उसे जानती थी। यूसुफी ने यह भी बताया कि मतीन को पुलिस ऑफिसर बनने का और साथ ही हथियार रखने का शौक था, और न्यूयॉर्क पुलिस के कपड़ों में मतीन के सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स भी आए हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब मतीन की पूर्व पत्नी ये कहती हैं कि पुलिस ऑफिसर बनने का शौक था, तो उन पिक्चर्स को वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हैं। In the beginning, he was a normal being that cared about family, loved to joke, loved to have fun. But then, a few months after we were married, I saw his instability, and I saw that he was bipolar, and he would get mad out of nowhere. That's when I started worrying about my safety, and then after a few months, he started abusing me physically very often, and not allowing me to speak to my family, keeping me hostage from them. And I tried to see the good in him even then, but my family was very tuned into what I was going through and decided to visit me and rescue me out of that situation. You know, because we were at a distance, I was in Jersey and he was in Florida. The divorce took a year and a half to finalize because we were doing it from a distance. I have cut him off, I have blocked everything. My family actually warned him that if he would try to contact me, they would go to the authorities. And so I have blocked him totally, and we did not have any contact with him. He was very short-tempered, and he would often get into fights and arguments with his parents, you know, but because I guess I was the only one in his life, most of the violence is towards me. He wanted to be a police officer, so he
trained with his friends who were police officers, and he had a license to have a gun in Florida. You're allowed to do that. I know that he had a history with steroids. I don't know if that caused it. I'm sure had something to do with it, you know, but... तो उमर मतीन की पूर्व पत्नी को मतीन के बारे में और ज्यादा डिटेल्स देते हुए आपने सुना। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ओबामा ने इसे आतंकी हमला बताते हुए हेट क्राइम भी बताया है। ओबामा ने एक बार फिर से गन कल्चर को खत्म करने की बात कही है। So this is a sobering reminder that attacks on any American, regardless of race, ethnicity, religion, or sexual orientation, is an attack on all of us. And on the fundamental values of equality and dignity that define us as a country. And no act of hate or terror will ever change who we are or the values that make us Americans. Today marks the most deadly shooting in American history. The shooter was apparently armed with a handgun and a powerful assault rifle. This massacre is therefore a further reminder of how easy it is for someone to get their hands on a weapon that lets them shoot people in a school, or in a house of worship, or a movie theater, or in a nightclub.